बुलंदशहर में बाजार अंसारी रोड पर तीन दुकानों में लगी भयंकर आग। अंसारी रोड बाजार में स्थित क्वालिटी कैफेटेरिया स्थित तीन दुकानों में लगी भयंकर आग। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है आग लगने का कारण। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 5 घंटे में आग पर पाया काबू। कोतवाली नगर क्षेत्र के अंसारी रोड बाजार की घटना। ये रात को करीबन 2:40 बजे सूचना मिली थी कि यहाँ पे आग लग गई है। सूचना मिलते ही मौके पर तुरंत स्थानीय पुलिस की टीम दमकल विभाग मजिस्ट्रेट सर्विस यहाँ पे पहुँच गए थे। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं घंटों के अथक प्रयास के बाद इस आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जा चुका है। किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। अभी तक जो हमें समझ में आया संभवतः ये शॉर्ट सर्किट। नुकसान का आकलन किया जा रहा है? अभी आकलन किया जाएगा और बाकी आगे। 5-5.5 घंटे आग पर काबू पाने में लगे, ऐसा क्यों हुआ? इसके अंदर अलग अलग तरह का मटेरियल था। एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे काफी वुडन वर्क भी हुआ हुआ था, सोफा वगैरह रखा हुआ था। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे। नीचे आप देखेंगे पर्स वगैरह की दुकान थी, फोम काफी था, तो बहुत अलग अलग तरह की वस्तुएं रखी थी। और पर दमकल विभाग लगातार अपना प्रयास करता रहा और अब हम लोग ये दावे के साथ कह सकते हैं पूरी तरीके से आग पर नियंत्रण। लगभग कितनी गाड़ियां लगी हैं फायर ब्रिगेड की? ये कह सकते हैं 30 से ऊपर जो है, मतलब 7 गाड़ियां थी और बार बार रिफिल करके 30 से ऊपर पूरी गाड़ी खाली। फायर कर्मचारी एक दो को हल्की चोट आई है क्योंकि ये पूरा ग्लास का स्ट्रक्चर था जो कि टूटा और इन लोगों ने वाकई में बहुत मेहनत किया है क्योंकि आग काफ़ी भीषण थी, पर इन्हीं लोगों की मेहनत का परिणाम है कि इसको हम कंट्रोल करने में सफल। मैम, आसपास के मकान को भी कुछ खाली कराया गया था? नहीं, अभी हम लोग मैं और सर थे यहाँ पे लगातार, तो हम लगातार विजिट कर रहे थे कि ऐसी स्थिति तो नहीं आई है कि कराने की जरूरत पड़े, पर सब कुछ नॉर्मल था और किसी भी मकान को आसपास खाली कराने की आवश्यकता। कुल कितनी दुकानों में नुकसान है? ये जैसा आप देख सकते हैं 2 बिल्डिंग्स हैं, एडजस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, उसमें एक दुकान नीचे और ये जो बगल वाली बिल्डिंग है इसमें ग्राउंड फ्लोर को मिला के 5 फ्लोर हैं, तो इन सभी में नुकसान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव अग्रवाल है। किस चीज़ की दुकान करते हो, क्या हुआ आज? ये यहाँ रात्रि मुझे 2:45 बजे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे के यहाँ क्वालिटी कैफेटेरिया में आग लग गई है, हो सकता है आपकी शॉप में भी आग लग गई है। तो मैंने जल्दी से डैडी को उठाया और डैडी को साथ लेके यहाँ आया। आने के बाद देखता हूँ तो यहाँ बहुत तेज़ निश्चित से लपटें उठ रही है। फिर यहाँ आने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, उन्होंने बड़ी मशक्क़त के बाद, अंदर पानी नहीं जा पा रहा था, उन्होंने कहा शटर तोड़ना पड़ेगा। शटर तोड़ने के बाद वो आलम था यहाँ का कि इतनी तेज़ लपटें जैसे होलिका दहन की होती हैं, इतनी तेज़ लपटें जो काबू नहीं पा सके। और बार बार इस पर पानी डालने के बावजूद भी 10 से 12 बार दोबारा आग लगी है। कितनी दुकानों में आग लगी टोटल? ये टोटल 3 दुकान है। सबसे मेन दुकान क्वालिटी कैफेटेरिया है, उसके बराबर फिर हमारी दुकानों में लगी है। आपकी किस चीज़ की? हमारा बैग पर्स का काम है, अटैची का। वो बिल्कुल रात हो चुका है, सब कुछ कुछ नहीं बचा है। और उसमें मेरा, मैंने कल उसमें राखी का भी माल ला के रखा हुआ था जो बिल्कुल सुहा हो चुका है। फायर की दमकल की गाड़ियाँ कितनी लगी हुई? दमकल की गाड़ियाँ तो कम से कम 10 से 12 आ चुकी हैं, लेकिन उसमें से समथिंग मैं मानता हूँ 6 से 7 गाड़ियाँ खर्च हो चुकी हैं। आपका कितना नुकसान हुआ? समथिंग 5 से 5.5 लाख रुपये।